कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन का आज 71वां दिन। अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के किसान आंदोलन को समर्थन वाले ट्वीट के बाद सियासत तेज। किसान आंदोलन को लेकर विदेशी प्रोपेगेंडा पर गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट, लिखा कोई भी दुष्प्रचार भारत की एकता को नहीं दिखा सकता। भारत का भाग्य दुष्प्रचार नहीं विकास तय करेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा विदेशी ताकतें प्रोपेगेंडा फैलाकर देश को अस्थिर करना चाहती हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारा आंतरिक मसला। विदेशी हस्तियों की टिप्पणी पर लता मंगेशकर ने भी निशाना साधा, लिखा भारत महान देश है, हम अपने मुद्दों को सुलझाने में सक्षम। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी समेत कई हस्तियों ने भी विदेशों का को जवाब दिया, कहा लोगों को आधे अधूरे सत्य और मतभेद वाली बातों पर ध्यान देने की बजाय सरकार के प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए। रिहाना मामले पर विराट कोहली का ट्वीट, किसान देश का अहम हिस्सा, उम्मीद है जल्द सौहार्दपूर्ण हल निकलेगा। विदेशी हस्तियों के ट्वीट पर सचिन तेंदुलकर का जवाब, लिखा देश की संप्रभुता से समझौता नहीं, बाहरी ताकतें दखल न दें। कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा, कहा किसानों से डरकर किलाबंदी कर रही है सरकार। तो चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। राहुल के हमले पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा किसानों को भड़काने वाले राहुल विदेश जाकर रचते हैं देश के खिलाफ साजिश। जींद में किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत ने कृषि कानून वापस लेने की मांग की, बोले हमारी फौज मजबूत है। हरियाणा की जींद में किसानों की महापंचायत के दौरान हुआ हादसा, मंच गिरने से राकेश टिकैत समेत कई लोग नीचे गिरे। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल का बड़ा बयान, बोले बीजेपी गंदी हरकतें करने पर तुली हुई है, मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। दिल्ली बॉर्डर को सील करने को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार पर बोला हमला, संजय सिंह ने कहा ऐसा लग रहा है कि चीन और पाकिस्तान की सीमा हो गई है, सरकार में रहम नाम की चीज नहीं बची है। हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले विधानसभा में कृषि कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव भी लाएगी कांग्रेस। कृषि कानून की को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर कांग्रेस, प्रयागराज के माघ मेले में कांग्रेस सेवा दल ने खेती का खून, तीन काले कानून नाम से बुकलेट जारी। किसानों के मुद्दे पर राज्यसभा में बुधवार को भी हुआ हंगामा, कांग्रेस ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की, गुलाम नबी आजाद ने कहा किसानों के सामने अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा था। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बोले सरकार किसानों से बातचीत और कृषि कानूनों पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान जान गंवाने वाले युवक नवनीत सिंह के घर जाएंगी प्रियंका गांधी, यूपी के रामपुर में नवनीत के अंतिम अरदास में शामिल होंगी। दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट है, जान लीजिए। लाल किले पर हिंसा फैलाने और फेसबुक लाइव करने वाले धर्मेंद्र सिंह हरमन को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया, कार की छत पर बैठकर लाल किले के अंदर से भीड़ को उकसाने का आरोप है। दिल्ली में लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने को लेकर पुलिस का बड़ा खुलासा, सूत्रों के मुताबिक पंजाब की लुधियाना का इकबाल सिंह लोगों को उकसाने में शामिल था। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा पर पुलिस का एक्शन, लाल किला मामले में दीप सिद्धू समेत 4 आरोपियों के खिलाफ 1,00,000 रुपए के इनाम का ऐलान, 50 आरोपियों की भी पहचान हुई। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने दिल्ली पुलिस से सभी थानों की 26 जनवरी की सारी सीसीटीवी फुटेज संभाल कर रखने की मांग की, कहा इससे लोगों की गिरफ्तारी की वास्तविकता का पता चलेगा। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया, कोर्ट ने कहा देख रही है सरकार अपना काम, कानून करेगा। दिल्ली हिंसा में गिरफ्तार लोगों के बचाव को लेकर सियासत तेज, रिहाई के लिए कानूनी मदद की तैयारी में संयुक्त किसान मोर्चा, कहा मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी मदद का भरोसा दिया है।
दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार किसान और पूर्व फौजी हरजिंदर सिंह का परिवार जल्द दाखिल करेगा जमानत याचिका। हरजिंदर सिंह पर धारा 307 में मुकदमा दर्ज है। दिल्ली सरकार ने पुलिस की ड्यूटी में भेजी गई 576 डीटीसी बसों को लौटाने का निर्देश दे दिया है। बिना इजाजत पुलिस को बसें न देने का आदेश, किसान आंदोलन की वजह से पुलिस को बसें दी गई थी। एमपी के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कृषि कानून के खिलाफ हो रहे आंदोलन को प्रयोग बताया। कहा, अगर ये प्रयोग कामयाब रहा तो देश में सीएए और एनआरसी के खिलाफ भी आंदोलन तेज हो जाएगा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की। बोले, किसानों को आतंकी कह रही हैं कंगना। और कुछ अहम खबरें भी आपके सामने रख देते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। राहुल गांधी के एम वाले ट्वीट पर प्रकाश जावड़ेकर का जवाब। लिखा, एम से साबरमती के संत मोहनदास भी थे, भारत की मिट्टी की बात ही अलग है। ये तानाशाह नहीं, बुद्ध और महावीर की वसुधा है, छोड़िए आप नहीं समझे। राहुल गांधी के तानाशाह वाले बयान पर नरेंद्र सिंह तोमर का पलटवार। बोले, राहुल को कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती, अगर एम से शुरू करें तो मोतीलाल नेहरू का भी नाम आता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के केरल के दौरे का दूसरा दिन आज कोच्ची में प्रदेश पदाधिकारियों और प्रभारियों समेत जिला स्तर के तमाम पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम में रोड शो के बाद विरोधियों पर जमकर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, मौजूदा लेफ्ट सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जनता बीजेपी का साथ देने के लिए तैयार। बंगाल के अलीपुरद्वार की रैली में बीजेपी पर जमकर बरसी सीएम ममता बनर्जी। बोली, जनता को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। कहा, 7 से 8 दिन के अंदर चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी। शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। 7 फरवरी को पीएम मोदी के बंगाल दौरे से पहले दिव्येंदु ने 8 प्रशासनिक पदों से इस्तीफा दिया, लेकिन कहा, मैं टीएमसी में ही हूं। कोलकाता हाईकोर्ट में आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हो सकती है। पश्चिम बंगाल में 6 फरवरी से परिवर्तन यात्रा निकल रही है। पश्चिम बंगाल में जारी है दल बदल का खेल। अब बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के साले सृजन रॉय टीएमसी में शामिल हुए। ममता बनर्जी की पार्टी को बताया अपना घर। बिहार में प्रदर्शन के दौरान अगर दर्ज हुआ अपराध का केस तो न सरकारी नौकरी मिलेगी न ठेका, डीजीपी ने जारी किया आदेश। ABP News, आपको रखे आगे।